यूपी में लोकसभा चुनाव में खराब रिजल्ट के बाद बीजेपी एक्टिव हो गई। एक व्यापक फीडबैक अभियान शुरू किया गया है जिसमें कम से कम 50,000 जमीनी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। यूपी में 10 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं जिसके कमान सीएम योगी ने अपने हाथों में संभाल ली है। सीएम योगी 18 मंडलों को लेकर बैठक कर रहे हैं, विधायक एमएलसी जनप्रतिनिधियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। सीएम योगी ने 16 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है, हर सीट के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। सीएम योगी ने जनता की समस्याओं को दूर करने की नसीहत भी दी। इसके साथ ही विपक्ष के झूठ के खिलाफ पोल खोला अभियान चलाने को कहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी के सांसदों की संख्या 62 से घटकर 2024 में 33 रह गई है। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के पीछे के कारणों को समझने की कवायद चल रही है, इसी पर आपको एक रिपोर्ट मिली। लोकसभा चुनाव के बीजेपी को मिले खराब रिजल्ट के बाद यूपी में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव की कमान सीएम योगी ने अपने हाथ में ले ली है। सीएम योगी ने 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी है। उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने 16 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। मंत्रियों को सभी सीटों पर जीत का टास्क दिया गया है। कानपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बैठक की। सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं के बीच जिम्मेदारी बांटी गई। कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वो आगामी चुनाव को लेकर अपनी कमर कस लें। इस बार हर हाल में सीसामऊ विधानसभा में कमल खिलना है। विषय है हमारे सामने जो हमारा उद्देश्य है कि हम सीसामऊ का चुनाव कैसे जीते, इसके संबंध में हम आपके बहुमूल्य सुझाव सुनना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपचुनाव योगी के शासन और यूपी बीजेपी की संगठनात्मक ताकत के लिए लिटमस टेस्ट होगा। सीएम योगी ने न सिर्फ प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की है, साथ ही मंत्रियों से फीडबैक लेकर इन सीटों की स्थिति का जायजा भी लिया है। सीएम योगी सभी 18 मंडलों के विधायकों जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं जिसमें विकास के कामों, कानून व्यवस्था और अधिकारियों के रवैये का फीडबैक लिया जा रहा है। मुद्दा केवल ये था कि पार्लियामेंट के जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में हम मेरठ मंडल की आज बैठक थी और उस मंडल में हम 5 सीट जीते हैं, उसकी एक समीक्षा थी। वो विस्तार रूप से कि कौन से विधायक के क्षेत्र में कितनी वोटों से हम चुनाव जीते हैं उसके ऊपर समीक्षा थी। अधिकारियों को लेकर भी तमाम शिकायतें हो रही हैं, मुख्यमंत्री जी से क्या बातचीत हुई अधिकारियों को लेकर? जो जो अपना फीडबैक है अपनी अपनी विधानसभा को माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है और उन्होंने पूरा सुनकर आश्वासन दिया है कि आगे सब ठीक हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मंडलवार समीक्षा करते हैं तो चुनाव के बाद ये पहली ऐसी बैठक थी जिसमें लोकसभा चुनावों में, क्योंकि मेरठ मंडल में हम सभी सीटें जीते हैं, तो जहां हमारा मार्जिन बढ़ा है, किस विधानसभा में घटा है, तो कहीं हार भी हुई है किसी विधानसभा में, भले हम लोकसभा जीते हैं, तो वहां कारण क्या रहे और वोट कैसे बढ़ सकती हैं, तो उसमें कई कारण निकल के आए, जैसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है या कहीं ना कहीं एक अफवाह उड़ाना। सीएम योगी अपनी बैठक में 50-50 के फॉर्मूले पर चर्चा कर रहे हैं। जन प्रतिनिधि की जीत में 50% पार्टी की भूमिका, जन प्रतिनिधि की जीत में 50% प्रत्याशी की भूमिका, अधिकारियों की कमियों के सबूत लाए कार्रवाई होगी, जनता की समस्याएं सुने समाधान करवाए, अधिकारी आनाकानी करे तो मुझे शिकायत करे, सोशल मीडिया पर सभी विधायक सक्रिय रहें, विपक्ष के झूठे दावों की पोल खोलने का काम करे, आरक्षण संविधान खत्म करने के झूठ को सामने लाए। सीएम योगी में मंत्री ओपी राजभर ने उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं सुनते। ओपी राजभर का कहना है कि अधिकारी उनकी बात सुनते हैं, हमारे काम कभी नहीं रुके। मंत्री जी जो कि प्रदेश के मालिक हैं 25 करोड़ आबादी के, तो उनकी जो पहल है वो सराहनीय है और ऐसा हमेशा होना भी चाहिए। लोग कह रहे हों कि अब उनका विषय है, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, जो हमारे नेता हैं, सब लोग अपनी बात मनवा ले रहे हैं, जो सही काम है, और अभी तक तो हम लोग 95% सफल हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए उपचुनाव वाली 10 सीटों पर बीजेपी ने कमर कस ली है। इन 10 सीटों में से एसपी के पास 5, बीजेपी के पास 3 और उसके संगठन सहयोगी निषाद पार्टी और रालोद के पास 1-1 सीट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की सभी 10 सीटों के लिए
प्रभारी मंत्री तैनात कर दिए हैं। 30 मंत्रियों की ड्यूटी 10 उपचुनाव की विधानसभा की सीटों पर लगा दी गई है। उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो बड़ी बैठकें कर रहे हैं। लगातार इन मंत्रियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर आकर 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कैमरामैन मनोज साही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ।